तो चलिए आज हम लोग थर्मोडीनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के नीट पी वाई क्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं इसमें दिया है कि एब्सोल्यूट इन ऑफ़ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि जब एम जी और एच सी एल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा तो देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू ये होता है तो वीक एसिड और स्ट्रोंग वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का जो होता है वो लेस देन होता है इससे तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन रिजल्ट ऑफ द तो देखिए स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन होता है आपका डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए तो एक जो थर्मिक और इंक्रीज डिसऑर्डर होना चाहिए फॉर द रिएक्शन वन मोल ऑफ जिंक डस्ट एंड वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन बम कैलोरी मेट्री डेल्टा यून डब्ल्यू रे को टू तो देखिए ये एक, एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा और जब एक् थर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगा तो डेल्टा यू का वैल्यू भी लेस देन जीरो होगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द चेंज ऑफ गिप्स फ्री एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अब देखिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है मतलब कंडीशन क्लोबीरियम का है और ऐसे कंडीशन में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है जी जीरो होता है ठीक है तो ये वाला कंडीशन आपका होगा एज्यूम इच रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इक्व टू डेल्टा ई तो देख लीजिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है जहां भी जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो आ जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा ई ईक्व टू डेल्टा एच ठीक है तो ये वाला आंसर हो जाएगा द इंथेल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन बी आर टू प्लस सी एल टू गिप बी टू बी आर सी एल और थर्टी किलो जूल एंड वन जीरो फाइव जूल कैलबिन पर मोन रिस्पेक्टिवली द टेम्परेचर एट विद द रिएक्शन विल बी इन एक्लुबेरियम इज ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे इक्लुबेरियम कंडीशन के बारे में बोल रहा है तो ये फॉर्मूला लगाइए और यहाँ इक्लुबेरियम में डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है तो यहाँ से टी आप निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू आएगा टू एट फाइव पॉइंट सेवन तो ये वाला करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द इंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्गजीन इज माइनस वन वन नाइन पॉइंट फाइव किलोजूल पर मो इफ रेजुनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज इतना इट्स इंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वुड बी तो देखिए यहाँ पे आपने हेक्जीन के साइक्लोहेक्गजीन का आपने हाइड्रोजनेशन करा है और फिर आपने बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करा है तो जब इंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालिएगा तो जो भी यहाँ पे आप दे रहे हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले केस में और माइनस रेजोनेंस एनर्जी करिए तो वैल्यू आ जाएगा टू जीरो एट पॉइंट वन तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा वेन यू मेक आइस क्यूब एंट्रोपी ऑफ वाटर देखिए तो पानी से जब आप आइस बनाते हैं तो पानी में जो होता है रेंडमनेस ज्यादा होता है आइस के कंपेयर में यानी आइस बनाने पर डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस डिग्री इंक्रीज होता है जबकि डिग्री ऑफ एटेंडमस डिक्रीज होता है तो इसके चलते डेल्टा यानी यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट देखिए ये एक फेज चेन रिएक्शन दिया है जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है तो देखिए फ्रीजिंग का कंडीशन है यानीबेरियम का कंडीशन है तो इक्लिबेरियम के कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है और ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इस देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी का चेंज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर फोर है